देखे दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में से है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर में से है। तो कह रहे हैं एक समूह मनी एक धनराशि है, आपने उसको इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे। पहले साल के अंत तक आपके पास 650 रुपये हो गए थे और दूसरे साल के अंत तक आपके पास 676 रुपये हो गए थे, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ कि ये सम ऑफ मनी क्या होगा, ये पी क्या होगा, बेसिकली हमें ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इकलौता हिंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये है कि भाई पहले साल से लेकर के दूसरे साल के इंटरेस्ट के बीच में 26 रुपए का फर्क है। इसका मतलब 26 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला इस एक साल के पीरियड में, जो इन दो सालों के बीच में जो गैप था ये एक साल का, इस दौरान मुझे 26 रुपए मिले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले रेट परसेंटेज निकालना चाहिए। कैसे निकलेगा, देखो SI क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि साल का इंटरेस्ट देख रहा हूँ मैं भी, सिर्फ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम के बटे में 100, यही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अगर मैं 26 रुपये की ब्याज पर का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए प्रिंसिपल क्या है, ये वाला अमाउंट 650, क्योंकि 650 रुपये के ऊपर 26 रुपये मिले दूसरे साल के अंत तक, तो मेरा प्रिंसिपल क्या है 650। रेट क्या है मुझे निकालना है, कितने टाइम पीरियड में मिल गए थे 26 रुपये मुझे, एक साल में मिल गए थे, ठीक है। 13 के पारे से 26 दो पे कटेगा दोस्तों और 65 कटेगा 5 पे, है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो रेट प्रतिशत है वो निकल आएगा 4%, ठीक है। अब दोस्तों एक साल के बाद मुझे 650 रुपये मिले थे, राइट, और प्रिंसिपल अमाउंट मुझे निकालना है, कितना रेट मैंने निकाल लिया, कितना 4%, कितने टाइम पीरियड में, एक साल के टाइम पीरियड में, ठीक है। यहां से आप सोल्व करो, 4 और नीचे 100 है तो इसको 2 के पारे से काट दो, ठीक है, 2 दुनी 4 होता है, और सिमिलरली ये 50 पे कट जाएगा, तो ये का आ गया 52 के बटे में 50 और इधर 650। अब दोस्तों 52 जो है 13 के पारे से 4 पे कटता है, 65 जो है 5 पे आता है ना, 13 पंजे 65 होता, तो ये 50 हो गया, इधर ये 4 हो गया, 50 और 50 को आपस में गुणा कर दिया आपने 2500, ये वाला 4 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 625 रुपए। तो दोस्तों 625 रुपए वो धनराशि थी जो आपने चक्रवर्ती ब्याज पे इन्वेस्ट की थी 4% के हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो है 650 रुपए आया था पहले साल के अंत में, और दूसरे साल के अंत में आपके 676 रुपए बन रहे थे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये आपका आंसर है। देखते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन को, इसे मैं इरेज कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए, तब तक आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है, तो ए बी और सी लिख देता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का डबल है, और जो जो सेकेंड नंबर है वो तीसरे नंबर का 3 गुना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर तो थर्ड वाले ही है ना, तो थर्ड वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ एक्स। तो दोस्तों सेकेंड नंबर मेरा कितना है, 3 गुना है तीसरे नंबर का, अगर तीसरे नंबर को मैंने एक्स लेट करा है तो मेरा बी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, राइट। और मेरा दोस्तों पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, वो दुगना बड़ा है किससे, सेकंड वाले से। अगर सेकंड वाला 3x है इसका दुगना, यानी कि मेरा जो ए है वो 6x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 10, ठीक है, मतलब ये जो 3 नंबर है इनकी जो एवरेज है वो है 10। एवरेज का मतलब मैं तीनों नंबर का सम ले लूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा तो वो कितनी निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी। इस 3 को दोस्तों मैं इधर ले जाऊंगा, ये 10 से गुणा हो जाएगा तो 10 * 30 हो जाएगा, ओके। इनका मैं सम ले लूंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10x = 30, तो मेरा क्या निकल के आ गया x 3 आ जाएगा, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर इज, सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब ये बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या था, 6x, x की वैल्यू क्या थी 3, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 6 * 3 कितना 18, ठीक है, 13 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,